दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे एक्टर हैं जिनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इन्होंने भले ही अपने करियर की शुरुआत खलनायक के तौर पर की, लेकिन किस्मत ने इनको बॉलीवुड का जाना माना नायक बना दिया। आज भी इनकी फिल्मों को दर्शक खूब पसंद करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा न केवल फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहे, बल्कि इनके लव अफेयर भी खूब सुर्खियों में रहे। इनका लव अफेयर भी खूब चर्चाओं में रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने लव अफेयर और फिल्मों को लेकर चर्चा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की रियल लाइफ पत्नी कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती है? अगर आप भी इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के शानदार अभिनय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 को मुंबई में हुआ। वहीं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलनायक के तौर पर की, लेकिन इनके शानदार अभिनय को देखते हुए इनको बॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल निभाने के मौके मिले और धीरे धीरे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर बन गए। अगर बात की जाए इनकी सुपरहिट फिल्मों की, तो उनमें दोस्ताना, लोहा, जानी दुश्मन जैसी फिल्में शामिल हैं जिसमें इनका शानदार अभिनय देखने को मिला। जैसे जैसे इनका करियर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इनके लव अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। हम आपको बता दें, इनका नाम रीना रॉय के साथ खूब सुर्खियों में रहा, और उस समय इन दोनों के लव अफेयर की खबरें खूब मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उस समय सभी को हैरान कर दिया जब इनकी शादी पूनम सिन्हा से हुई। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय का लव अफेयर रहा हो, लेकिन कभी भी इन दोनों ने लव अफेयर को मीडिया के सामने स्वीकारा नहीं। इन्हीं सब से बचने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम सिन्हा से शादी की, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आया करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूनम सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म जिगरी दोस्त से की थी। इसके बाद ये आदमी और इंसान, आग और दाग, सबक और शैतान जैसी फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें इनको साइड अभिनेत्री के तौर पर देखा गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से शादी होने के बाद इन्होंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया और शत्रुघ्न सिन्हा का घर संभालने में लग गई। शादी के बाद इनको 3 बच्चे हुए, जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, लव सिन्हा और कुश सिन्हा हैं। लेकिन जैसे इनके बच्चे बड़े हुए, वैसे इन्होंने अपने करियर पर एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ये कोई अभिनेत्री बनकर नहीं आई, बल्कि एक नेता बनकर सभी के सामने आई। जी हाँ दोस्तों, आज शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है, और आज शत्रुघ्न सिन्हा की तरह इनका बोलबाला भी राजनीति में खूब हो रहा है। और आज पूनम सिन्हा उन अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी है जिन्होंने शादी के बाद अपनी एक अलग खास पहचान बनाई। तो दोस्तों, आप सभी को शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी रीना रॉय के साथ ज्यादा अच्छी लगती है या फिर पूनम सिन्हा के साथ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।